मिर्ज़ाज़ अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर डिटरमाइनर्स। मैंने पहले वाले वीडियो में डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस और इसके टाइप्स पहले समझा दिए। मैंने इसके दो टाइप्स आपको पहले करवा चुकी हूँ, आर्टिकल्स और डेमोंस्ट्रेटिव। आज मैं पॉजिटिव और क्वांटिफायर्स करवाऊँगी और इसके जो और पार्ट्स बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो ये इसके दो पार्ट देखने के लिए और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के लिए पहले आप मेरी जो वीडियो है उसको देखिए, फिर उसके आगे इसके इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आर्टिकल्स और डेमोंस्ट्रेटिव हो गया, अब हम करेंगे पॉजेसिव। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे पॉजेसिव। पॉजेसिव क्या होता है? पॉजेसिव वो होती है, होता है जिस पर हम मालिकाना हक जमाते, किसी चीज़ पर अपना मालिकाना हक जमाना होता है पॉजेसिव। तो इसकी डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू शो द पॉजेसिव ऑफ द थिंग रेफरेंस्ड बाय द फॉलोइंग नाउन। किसी भी चीज़ पर अपना मालिकाना हक जमाना, उसको बोलते हैं हम पॉजेसिव। अब इसमें हमारा क्या आ जाता है, जैसे माई मेरा, योर तुम्हारा या आपका, हिज उसका, हर उसकी। तो हम यूज़ कैसे करेंगे, हम करेंगे पॉजेसिव प्लस नाउन। नाउन से जस्ट पहले हम पॉजेसिव का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर, मेरी बहन एक डॉक्टर है। तो ये हमने क्या करा, मेरी बहन एक डॉक्टर है, अपनी बहन पर हम क्या जमा रहे हैं, अपना मालिकाना हक। दूसरा, हर मदर वॉन्ट टू द मार्केट, उसकी माँ बाजार गई थी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने देखो मेरा आपका उसका उसकी, ये हम एक मालिकाना हक जमा रहे, एक चीज़ पे हम बता रहे हैं, तो वो हमारा होता है पॉजेसिव। इसके बाद आता है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आता है किसी भी चीज़ को, हम किसी भी चीज़ को क्वांटिटी करते हो, मतलब काउंट करके बताते हो, वो हमारा होता है क्वांटिफायर्स। जैसे मैनी, इनफ, अलॉट, ये सब चीज़ें जो होती हैं हम, वो होता है क्वांटिफायर्स, जिस चीज़ को हम क्वांटिटी में बताते हो या फिर उसको हम काउंट करते हो, ठीक है। जैसे मैनी मतलब अनेक, फ्यू कुछ, मच बहुत, मोर अधिक, लिटिल थोड़ा, सम कुछ, इनफ काफी, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, सेवरल कई, प्लेंटी ऑफ बहुत ज़्यादा, नो नहीं, एनी कोई। तो हम किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हो या उसको काउंट करके बताते हो, वो चीज़ होती है हमारी क्वांटिफायर्स। जैसे मैं बोलती हूँ फॉर एग्जांपल, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट,
मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट हैं, तो इसमें हमारा इस तरीके से आ जाएगा क्वांटिफायर्स, या फिर जिसको बोलेंगे क्वांटिटी, हम किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, बहुत सारी है, कुछ है, अधिक है, थोड़ी है, काफ़ी है, कोई है, इस तरीके से बताना वो क्वांटिफायर्स होता है। इसमें हमारे क्वांटिफायर्स में एक आ जाता है मैनी और मच। तो जो हमारा मच होता है वो हमारे काउंटरेबल्स के साथ यूज़ होता है, अनकाउंटरेबल्स के साथ। काउंटरेबल्स और अनकाउंटरेबल्स आपको पता होंगे, काउंटरेबल्स वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटरेबल्स वो चीज़ होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो मच लगता है, मच यूज़ होता है उन चीज़ों के साथ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सपोज़ करो जैसे आप पापा सेब लाए हैं, तो उसमें बहुत सारे सेब जो हैं वो क्या हो गए, ख़राब हो गए। अब आप उसे एक 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 करके काउंट, या गेहूँ या कुछ भी चीज़ मान लो वो आधी ख़राब निकल गई, तो आप ये तो नहीं इसको एक एक काउंट तो नहीं करोगे, एक दो तीन हमारे हो गए, आप ये बोलोगे कुछ चीज़ें खराब हैं, अनेक चीज़ें खराब हैं, इस तरीके से बोलोगे। तो उसमें हमारा जो अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं उसमें मच का यूज़ किया जाता है, और जो मैनी होते हैं, मैनी होता है काउंटरेबल चीज़ों के साथ यूज़, जो काउंटरेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और मच जो है वो हमारा ग्रेड डिग्री के ऊपर भी यूज़ किया जाता है, तो आप लिख सकते हो मच कैन आल्सो मीन्स टू ग्रेड डिग्री। तो आपको पता चल गया मच हमारा अनकाउंटरेबल्स नाउन के साथ यूज़ होता है, और मैनी काउंटरेबल्स नाउन के साथ यूज़ होता है। अब हम इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें, इसमें अब हम देखेंगे कि जो हमारे रूल्स होते हैं क्वांटिफायर्स के, वो कुछ काउंटरेबल्स में यूज़ होते हैं, कुछ अनकाउंटरेबल्स में यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, मैनी, फ्यू, मच, मोर, लिटिल, सम, इनफ, अलॉट, ये सब चीज़ें में कौन सी हमारे काउंटरेबल्स के साथ यूज़ होती हैं और कौन सी अनकाउंटरेबल्स के साथ यूज़ होती हैं, अब ये बताऊँगी। तो इसमें हम लिखते हैं दीज आर सम रूल्स टू यूजिंग क्वांटिफायर सम आर यूज्ड ओनली विद काउंटरेबल नाउन एंड सम आर यूज्ड विद अनकाउंटरेबल्स नाउन। वाइल अदर्स कैन बी यूज्ड विद एदर ऑफ देन countables and uncountables. Now, तो क्वांटिफायर्स के जो रूल्स होते हैं वो कुछ यूज होते हैं countables के साथ, कुछ यूज होते हैं अनकाउंटरेबल्स के साथ, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे काउंटरेबल्स और अनकाउंटरेबल्स दोनों के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले आपको पहले बता देती हूँ कि हमारा इसमें मैं ऐसे खींच लेती हूँ, पहले लिख लेते हैं जो काउंटरेबल्स नाउन होती हैं, अनकाउंटरेबल्स नाउन में यूज़ होगी, और जो काउंटरेबल्स और अनकाउंटरेबल्स दोनों में यूज हो। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले क्या जाएगा, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, या फिर अ मेजॉरिटी ऑफ। देखो काउंटरेबल्स हमारी वो चीज़ होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेन, बुक,
इन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, मैनी, अ फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ। मैनी मतलब बहुत, अ फ्यू कुछ, सेवरल अनेक, अ नंबर ऑफ कोई भी, और ए मेजोरिटी ऑफ बहुसंख्यक जिसमें हमारे बहुसंख्यक लोग होते हैं। अब हो गया हमारे अनकाउंटेबल्स। अनकाउंटेबल्स में आपको पता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि राइस और शुगर ले लो, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, लेस मतलब कम, लिटिल या आ लिटिल थोड़ा, मच बहुत, अ लार्ज ऑफ बड़ी संख्या, और अ अमाउंट ऑफ बड़ी मात्रा में। देखो मैनी मतलब भी बहुत होता है, मच मतलब भी बहुत होता है, लेकिन मैनी किस में यूज़ हो रहा है, काउंटेबल्स में, मच किस में यूज़ हो रहा है, अनकाउंटेबल्स चीज़ों में। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स दोनों में यूज़ होगी, उसमें हम क्या लिखेंगे, सम मतलब कुछ, एनी कोई भी, इनफ और अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो आपको पता चल गया काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं, ये भी हमारे टू टाइप्स में होते हैं, नंबर्स में। तो क्वांटिफायर जो होते हैं हमारे, इसके और आगे टाइप जो है वो अब बता दूँ। अब मैं आपको चार मेन टाइप्स के आर्टिकल्स, डोमेंस्ट्रेटिव, पॉजेसिव और क्वांटिफायर्स। अब ये तो आपके चार मेन है ही, लेकिन टोटल जो आपके नाइन होते हैं वो मैं सारे करवा लूँगी। अब मैं बताती हूँ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर जो होता है हमारा, वो नंबर्स में भी होता है, और नंबर्स भी हमारे होते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉर्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। तो इसमें क्या होगा, जो कॉर्डिनल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह के जो हम काउंट करते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं, कॉर्डिनल्स में। और जो ऑर्डिनल में आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इस चीज़ों में हमारे होते हैं यूज। तो हम लिखते हैं, तो जो हमारे कॉर्डिनल हैं, या नंबर्स भी बोल सकते हैं आप, ये किस में यूज़ होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। और जो हमारे ऑर्डिनल होते हैं, वो यूज़ होते हैं सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, इन चीज़ों में हमारे ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम इसका फॉर एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल ही बाउट टू पेन्स, हमने दो पेन खरीदे, या उसने, या फिर ये बोल सकते हैं ही गॉट फर्स्ट प्राइज, है ना। यस, आई परचेज्ड सेकंड बुक। तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो, अगर मैंने ऑर्डिनल यूज़ करा तो फर्स्ट लिखा है, और अगर मैंने 1, 2, 3 लिखा तो हमने मैंने ऑर्डिनल वाले लिए। अब हमारे क्या होता है, नॉर्मली जो होता है, ये दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो ऑर्डिनल नंबर होगा वो हमारा पहले आएगा ऑर्डिनल से। जैसे लिखते हैं ऑर्डिनल नॉर्मली कम बिफोर कार्डिनल। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट थ्री प्राइज वॉन टू सेम फैमिली। तो फर्स्ट थ्री प्राइज, देखो फर्स्ट थ्री प्राइज, तो इसमें क्या हुआ, हमारा ऑर्डिनल जो है वो पहले आया है कार्डिनल से, पहले, वॉन्ट टू सेम फैमिली। तो हमारा यहाँ पे आपको समझ में आया, कार्डिनल और
ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, पॉजेसिव और हमारा हाँ पॉजेसिव और क्वांटिफायर। यहाँ पे इससे आगे मैं करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।